आज सिट्टू जिला सिरमौर कमेटी की एक बैठक की जा रही है और शॉर्ट टर्म में ये मीटिंग की जा रही है। और इस मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य, एक तो संगठनात्मक जो हमारा कार्यक्रम जो चलता है सीआईटू का, उसके विषय में चर्चा करना है, और दूसरा हमारा जो सीआईटू के साथ जो यूनियंस वगैरह जो जुड़े हैं, जिसमें चाहे आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, इनकी समस्याओं के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज चाहे हम आंगनबाड़ी यूनियन की जो बात कर रहे हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो दिक्कतें आ रही है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा चला है आज मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर, जो सरकार का जो हमला हो रहा है, एक फरमान आपने पिछले 2 दिन पहले अखबारों के माध्यम से देखा था कि 153 से भी ज़्यादा 300 कुछ सेंटर है ना, वो बंद करने का एक उस पर नौबत आई है। तो CI2 इसका विरोध कर रही है, और CI2 का मानना है कि आंगनवाड़ी वर्कर, चाहे वो मिनी है चाहे आपका फुल आंगनवाड़ी वर्कर है, हम तो ये मांग कर रहे हैं यूनियन के माध्यम से कि इन्हें आंगनवाड़ी को, जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर है, इनको पूरा फुल फ्लेज आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाए। लेकिन ये मांग तो दूर, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दोनों की जो मिलीभगत से इन सेंटरों को बंद करने का प्रमाण जारी किया है, जिसका CI2 विरोध कर रहा है। दूसरा, बार बार ये चर्चाओं में आ रहा है, हमने आंगनवाड़ी के यूनियन की मीटिंगों के माध्यम से भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बार बार हम जो केंद्र सरकार का की तरफ से जो आंगनवाड़ी का मानदेय आता है, वो मानदेय समय पर नहीं आ रहा है। आज भी वो स्थिति बनी है, हमारी डायरेक्टर महोदय से भी बातचीत हुई है इस विषय में, हमारी कई बार प्रधानमंत्री को भी इसमें हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन कभी जब स्टेट का मानदेय आ जाता है तो सेंटर का नहीं आता, जब सेंटर का आ जाता है तो स्टेट का नहीं आता। तो इस तरीके की दिक्कत यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ आ रही है। ये भी विरोध कर रहा है कि आज जो असल मुद्दे मजदूर वर्ग के हैं, चाहे आंगनबाड़ी का है, चाहे मिड डे मील का है, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज इस वर्ग को या स्थानीय लोगों को भी हिंदू मुसलमान के झगड़ों में बांटा जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर से मिड डे मील वर्कर है, चाहे आशा वर्कर के, इनकी जो समस्याएं हैं, चाहे इनका वेतन से संबंधित सवाल है, चाहे इनका विभागीय जो इनकी परेशानियां है वो सवाल है, वो मुद्दे उठने चाहिए। और मांग कर रहे हैं कि अगर इनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है तो फरवरी माह में, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर होगा चाहे केंद्र के स्तर पर होगा, एक बड़े प्रदर्शन हमें करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि पिछले काफी समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या देश का या प्रदेश का मजदूर हो, अपनी समस्याओं से जूझता आ रहा है। और हम जो मिनिमम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन 22,000 रुपये जो हम मांग कर रहे हैं, ये होना चाहिए। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें भी है, और आंगनबाड़ी वर्कर को स्थायी कर्मचारी घोषित करने के लिए, मिड डे मील वर्कर्स के लिए स्थायी कर्मचारी घोषित करने की जो हम मांग को लेकर आज ये बैठक की जा रही है। दिसंबर तक का रखो, शीला जी तो आए नहीं अभी, फोन दिसंबर का तो रखो, कुछ ना कुछ ले जाए, क्योंकि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होगी ना उसके बाद। देव कुमार ये नहीं है, मैंने बोला था नहीं जल्दी से और... बस यही है जी इसमें ना। और दूसरा आंगनबाड़ी का फरवरी के अंदर दिल्ली में प्रदर्शन होएगा, वो डेट जो भी आएगी वो आपको बता देंगे ना, उसके बीच में एक मीटिंग कर लेगी तो जिले के आंगनबाड़ी की ना, फरवरी में मिड डे मील का। हाँ जी सचिव साहब आप बोलो। प्रधान आपका आता नहीं, पता नहीं फोन नहीं उठा रहा, ऐसा तो होता नहीं कभी, क्यों फोन नहीं उठा। संदीप है भाई, फोन ना करो, नहीं नहीं लग रहे हैं, जीड़ा लग के लिए लगी होती है काम में, फोन तो करते हैं नहीं। मैं तो दोस्त मिड डे मील का है हमारा, ये इस बार हमारा अच्छा काम हुआ कि 10 ब्लॉकों में हमारी रुक गई, लेकिन उस तरीके से इसमें मेंबरशिप नहीं हो पाई है। तो ये है, बाकी अब आप लोग बोलो आंगनबाड़ी का और क्या आप बोलो। चलो